हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम देख रहे हैं आईपीएल, वो भी आरसीबी का मैच चल रहा है यार। और तभी मैंने रेड पहना, वही अर्शी की टी शर्ट है पांडा वाली। बट भाई यार, ये चौके पे चौका मार रहा है यार, क्या कर। मैं मोमोज खा रहा हूँ आज। अर्शी फिर मोमोज ले आई है और ये फिर से मोमोज खा रही है। आज मुझे लगा आरसीबी जीतेगी, तभी मैं इसको मोमोज खिला रहा था। बट क्या लगता है, कौन जीतेगा? अर्शी जीत जाएगी। आरसीबी बैटिंग अच्छी नहीं हुई यार, इनकी बैटिंग अच्छी नहीं करी यार। और ये चौके पे चौका मार रहा है यार, दिमाग खराब यार। सो गाइस यार, प्लीज कमेंट करके बोलो, बताओ कि कौन जीतेगा, आरसीबी या फिर दूसरा। गाइस, मुझे खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है चंडीगढ़ की गर्मी से। क्या बोला तूने? चंडीगढ़ में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है गाइस। और हमारा कूलर लगा हुआ अपना काम करने, ठीक है यार। मैं कह रही हूँ ना, मेरी बस अभी मैं फ्री होंगी ना जब, तब मैंने एसी लगवा लेना। सो गाइस, चलो मैच देखते हैं। और हम साथ में लेके आए हैं मोमोज वगैरह। और ये मोमोज देखो, आता काट के फेंक दिया, थोड़े पड़े हुए। बस ये खा रही हूँ मैं अंदर से। क्या खा रही? अंदर खा रही हूँ, क्या फेंक देती हूँ तो ये बहुत मोटा है, मैदा है। मैदा अर्शी ने खाती। बाकी आईपीएल का मैच चल रहा है, देखते कौन जीतता है। आपको साथ के साथ अपडेट देते रहूंगा मैं, देखते हैं यार। अभी एक भी आउट नहीं हुआ, 31 रन हो गए। मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ, उस चैलेंज का नाम, उस चैलेंज का भुगतान सूरज और भैया को बहुत मतलब कड़ी मुश्किल से सामना करना पड़ेगा उसका, वो क्योंकि मैं पूरे एक हफ्ता दाल बनाने वाली। आज मंडी थी लेकिन ये नहीं मंडी गए और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं पूरे हफ्ते दाल 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 और सेम दाल रोज सेम, मैं नहीं खाऊंगी। कोई ना, अगर आरसीबी जीत गई तो वो चीज भी मंजूर है, बस आरसीबी जीतनी चाहिए यार। आज मैच है यार, मंडी कैसे चले जाऊँ यार मैं। बात तो सही है, पागल ढूंढना हूँ मैं। कोई ना, एक हफ्ता दाल बना लेना अगर आरसीबी जीत जाए तो, अगर नहीं तो नहीं। सो गाइस, चलो यार मैच देखते हैं यार, मैच में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो गाइस, आरसीबी हार चुकी है मैच। क्या बोलूं मैं, गुस्सा आ रहा है, फिर से हार गई यार। कब जीतेगी ये मैच मुझे समझ नहीं आ रहा, बट क्या करे यार, क्या बोलूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, चलो नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे और क्या। और सेकंड बात ये कि यार, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, है ना। ऐसा तो ना फेवरेटिज्म बोल के थोड़ा होता है कि भाई हाँ ये फेवरेट है। चलो एक सपोर्ट है, हमेशा रहेगा, बट क्या करे, आरसीबी हार चुकी है। मुझे लगता है कि फाइनल जीतेगी केकेआर। चलो सुबह मिलते हैं, बाकी तो यार नींद पता नहीं आएगी कि नहीं, दिमाग खराब हो गया यार। चलो भाई, फैन नहीं था पर सपोर्ट था यार आरसीबी के साथ यार। कोई ना गाई, चलो आरसीबी हार चुकी है, फाइनल देखते कौन जीतता है, फाइनल का वेट है अब तो। तो गाई, सूरज की हालत ऐसी, मरे हुए इंसान की तरह। क्या बोला तूने? क्योंकि कल आरसीबी मरा हुआ इंसान क्यों कह रही है भाई अपने पति को? पता क्या है, गलती से भी मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कभी, मरा हुआ इंसान गलत बात होती है। ऐसे गलत वर्ड बोला तुमने। अच्छा, मैं बताती हूँ इनकी पति को कोई ऐसा बोल सकता है कभी? मैं बताती हूँ, अरे मैं बताती हूँ इनकी ये वाली हालत का क्या वो है रीजन। कल आरसीबी हार गई ना, इस करके कल से ऐसा मुंह लटका के घूम रहे है ना अपना। रात को मैंने खाना नहीं खाया भाई, तो तभी मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इनका मुंह लटका, इन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया है ना, जो मोमोज एक आधे इन्होंने खाए है ना। विराट कोहली को टैग कर दिया जाए, मैंने रात को खाना नहीं खाया, तुम लोग हार गए यार। गाइस, इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है वैसे इस वाली चीज का। ऐसा पागल पागल हो गए, पागल आरसीबी आरसीबी। गाइस, इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है, तो मैं इनको कुछ देती हूँ खाने के लिए। इनको इनको थोड़ा सी भूख लगी है, कह रहे मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो ये लेके आए हैं ब्रेड, लेके आए हैं अपने लिए। ब्रेड ब्रेड नहीं खाना, खाना चाहिए मुझे, खाना चाहिए, खाना खाना है मुझको। खाना अभी बना नहीं, बनाना बन रहा है। क्या बना रही हो आज? आलू न्यूट्री शिमला मिर्च। जल्दी बनाओ, मेरे को भूख लग रही है, वही खाऊंगा मैं। ब्रेड ब्रेड नहीं खाना, ब्रेड जो लेके आए, लस्सी पियोगे? नहीं पीना मेरे को खाना, क्या भूख लग रहा है, लस्सी तो पी लो थोड़ी सी। वो मुझे खाने का भूख लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, लस्सी न्यूट्री मैंने पानी में सोख कर रखी है, ताकि थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। और शिमला मिर्च कट करके रखी है। शिमला मिर्च बना रही हूँ यार, बहुत टाइम बाद मेरा मन था बनाने को, भैया लेके आए कल रात ना। आलू तैयार है, मसाला भी रेडी है पिसा हुआ, और ये भी रेडी है, ये भी रेडी है। इसमें न्यूट्री और डाल दी मैंने, थोड़ा सा पकेगा फिर बाद में आलू ऐड करेंगे, धनिया भी ऐड करेंगे थोड़ा सा। चलो अब सूर्य के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। सोनू, ए सोनू क्या कर रहे बाबू? आरसीबी। अरे यार, इतना भी दुखड़ा क्यों रो रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या, दस रूम में छोड़ के भाग गई? अरे भगवान, नेक्स्ट ईयर पक्का जीतेंगे आरसीबी फैंस। क्या देख रहे हो?
कपिल शर्मा शो देख रहा था यार मैं। कपिल शर्मा शो थोड़ा है वो, कपिल शर्मा शो देख रहा था कि मैं थोड़ा हंसने को ट्राई कर रहा हूँ कि कल आरसी भी हार चुकी है और साला गर्मी भी इतनी हो रही है ना इस घर में, मेरा दिमाग खराब। ज्यादा मत बनो ठीक है, इतना अच्छा कूलर चल रहा है ना गाइस, मैं तो बता नहीं सकती। मन कर रहा है घर छोड़ के भाग जाऊं। चलो फिर एसी लेके आते, चलो चल। ऐसे तुझे है नहीं एसी उसी, जब गर्मी लग रही बंदे को फिर एसी तो लेके आना पड़ेगा ना भाई, ये तो जरूरी है ना ये वाला काम। बताओ आप ही बताओ, बताओ। बजट नहीं है भाई एसी का, भाई सब कुछ रहता है ठीक है, पैसे भी तो होने, दिल होना चाहिए, दिल जिगरा। हाँ, दुकान में अभी जाएंगे वहाँ पे जिगरा देंगे तभी वो एसी देगा, तो जिगरा होना चाहिए, पैसा नोट होना चाहिए भाई। भाई नोट भी जरूरी है लेकिन जिगरा अब बोलेंगे नोट कमाने के लिए जिगरा चाहिए। पता क्या है, जिगरा होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे उस चीज को ठीक है। हाँ, ये होता है। हाँ, ये नहीं होता, नहीं है जिगरा, मैं कह रहा हूँ नहीं, हम मेरे अंदर है, मैं कर लूंगी। तू तो कर ही लेगी, तुझे ही तो चाहिए एसी। मैं कर लूंगी गाइस, और मेरे अंदर है जिगरा। यस, भूख लग रही है, दे फिर ऑलमोस्ट ना कर, भूख लग रही है, सर दर्द हो रहा है। आरसी भी हारने का गुस्सा तेरे ऊपर निकालूंगा, पूरा थप्पड़े मार मार के। अभी तो बोल रही विराट कोहली को टैग करो, मैंने खाना नहीं खाया है, और बोल रहे मुझे भूख लगी, खाना दे जल्दी, अब मैं नहीं मिलता खाना। पूरी जिंदगी वो खा के सो गया होगा, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ बेचारे मेरे पति। ब्लॉग तो बनाना आता है, पता है मुंह पे छाले फिर भी मुंह पे जाता। अच्छा, मुझे मैं भूल जाती गुड्डू। यार ऋषिकेश में जाके दवाइयाँ खा के आ गया ना, गर्मी होगी, छाला हो गया यार मुंह पे। यहाँ पे इन्होंने इतनी दवाई खाई ना, छोटे छोटे सफर के लिए बोलते थे मुझे गोली दे, उल्टी की गोली दे, उल्टी की गोली खा के ना ऐसे नींद आती है उसमें खा के, तो इन्होंने तीन चार खाई है, तीन चार, पता आपको गर्मी हो इतना खाना चाहिए। मैं उनको टोकती हूँ ना, फिर मेरे को टोक देते कहते नहीं तू गलत बोल रही है, मैं सही बोलती हूँ यार, तुम्हारे मुँह के अंदर गर्मी करती है दवाई। खाना दे यार गाइस, यार चलो खाना खाते देखते क्या बनाया कल इसने, क्या किया पहले एक दो दिन पहले इसने क्या किया, खाना बनाया नमक कम हुआ, मैंने बोला सुनो नमक कम है थोड़ा नमक डाल लियो। अगले दिन खाना बनाया इसने, अच्छा कल नमक कम था नमक डाल दियो बोला, अगले दिन इतना सारा नमक डाल दिया, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं कह रहा यार ये क्या लड़की है यार। जब जब बनाती हूँ तो तुम्हें दिखता नहीं है, जब जब डालती हूँ तब तुम्हें दिखता, ये क्या करूँ मैं, तुम नमक अपने आप डाल दिया करो। ठीक है तू खाना डाल पहले जाके, आज टेस्ट करते हैं कैसा होता है इसका खाना। कैसा लगा तुम्हें खाने, देखी तभी बताऊंगा। खाने नहीं देते उससे पहले कैमरा लेके मुँह मुँह पे आ जाते हो, तो मेरा खाने को दिया। मैं तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन कैप्चर करना चाहती हूँ। कैप्चर बताओ, फर्स्ट रिएक्शन, तीन साल से तुम्हें मेरा फर्स्ट रिएक्शन कैप्चर नहीं हुआ। अरे अलग अलग चीजों के लिए, क्या अलग अलग चीजों, खाने देगी या पहले फोन में देख के ऐसे खाना पड़ता पूरा। खा लो आराम से यार, अब वो ऐसे जैसे मैं खाता हूँ ऐसे नहीं खा पाता मैं। अच्छा नाटक नहीं करना, एक दिन नमक कम था एक दिन ज्यादा था, आज नमक परफेक्ट है। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। मेरी जिंदगी सफल हो गई आज, पूरी बात तो सुन ले, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मिर्च हो गया था दूसरी चीज पकड़ लेती, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई आज। तुम कितनी गंदे हो यार, सब कुछ तुम्हें परफेक्ट चाहिए होता है ना, कभी 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 परफेक्ट नहीं होता ठीक। मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया है कि हमेशा जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं इनको पतली चाहिए थी तो मैं पतली नहीं, मैं मोटी हूँ है ना, इस करके परफेक्शन की बात कर रहे हैं ना। और खाने में कभी हो जाता है नमक कम नमक ज्यादा, मिर्च ज्यादा थोड़ी मिर्च कम हो जाती है ना, तो लेकिन तुम एडजस्ट करने वाले बंदे नहीं हो। अभी ना एडजस्ट कर रहा हूँ भाई, अभी ना कैमरा ऑन है गाइस, इसलिए ये सब आराम से बोल रहे हैं। अगर कैमरा बंद होता ना अभी ऐसे बोलते हैं ये, नाक चढ़ा चढ़ा के अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी तुम भी कभी बना के दिखाओ मेरे को, मैं भी तुम्हारे को। अब देख कल रात खाना नहीं खाया और अभी खाना नहीं खाने दे रही, ताने मारी जा रही है क्या। अभी कभी तुम भी मुझे बना के खिलाओ कुछ भी देखना, मैं आज मैं इसको बना के खिलाऊंगा रसना, पिलाऊंगा खिलाऊंगा नहीं रसना बना के पिलाऊंगा। और ये पी तो रही है, और यहाँ पे सैन दाई देखो कैसे सो रहे, इतनी गर्मी लग रही है गाइस, और यहाँ पे कूलर लगा देंगे सैन दाई के लिए। सो गाइस हमने खाना खा लिया, और अर्शी का एक मैं सीक्रेट बताना चाहूंगा, ये इतना अच्छा परफ्यूम लेके आई है ना, इतना अच्छा, और उसकी खुशबू आप सूंघोगे ना गाइस इतना मजा आएगा ना आपको। ये अगर बंदा यहाँ पे इसने लगाया है और 10 किलोमीटर दूर तक बंदे को उसकी खुशबू आ जाएगी, इतना अच्छा परफ्यूम हमारी अर्शी लेके आई है, और अर्शी भी वो लगाती है। बट मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद यार ऐसा चीज़ कि एकदम नाक में चढ़ने वाला और सर पे लगने वाला, कि बंदा सामने आया तो बंदा बेहोश हो जाए, वैसा वाला नहीं होना चाहिए। इतना कुछ नहीं है ठीक है, हमारी अर्शी को ऐसी ही चीजें पसंद आती है, ऐसी ही फेवरेट है। देखो तुम गाली दे रहे हो मेरे हाथ से, वो तो मैं दे ही रहा हूँ भाई, अगर ऐसा करेगी तो दूंगा ही ना।
एकदम ऐसी खुशबू होनी चाहिए सोनो कि एकदम लाइट से ऐसे लगे ना, ये नहीं कि लगे तो भूम बड़ाका हो, वो वाला नहीं होनी चाहिए। वो वाली जो खुशबू होती है ना, वो बस पाद की होती है तेरी, है ना? ऐसी जो खुशबू होती है ना तुम्हारी भीनी, उड़ जाती है ऐसे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, स्टे नहीं होता उनका। भाई स्टे की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो रहता ही हर किसी में। इतर लेके आऊंगी, इतर तू कुछ मत लगा, चलो तू तितर हो जा यहाँ से, तितर नहीं तू तितर हो यहाँ से। सो गाइज, अर्शी का आज मेकअप है और अर्शी जा रही है मेकअप करने, नेल्स है और अर्शी जा रही है नेल्स करने, और ये पूरा वो बुरखा पहन के जा रही है आज। लेट्स सी कैसे लगती है हमारी अर्शी बुरखे में। अर्शी दिखाओ इधर से, चीज चीज मोमोज स्प्रिंग रोल। सो गाइस चलो अर्शी का छोड़ के आते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।